हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है माय एक्वाटिक पैराडाइज के एक और न्यू वीडियो पे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था, ए टब में और इस टब में जो जो प्लांट है उसके नाम मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आज मैं सिर्फ आपको इस प्लांट के जो प्लांट है इस सब प्लांट के नाम बताने वाला हूँ, और इस प्लांट पे डिटेल्स वीडियो एक और वीडियो आएगा उस पर आप देख सकते हो, तो चैनल पे बने रहे। तो सबसे पहले इस तरफ आते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक प्लांट है, इसे कहते हैं अनुबियस नाना। अनुबियस नाना के बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो पानी के नीचे छोटे छोटे घास जैसे देख सकते हो आप लोग, इसे कहते हैं ड्वार्फ सेजिटेरिया और सेजिटेरिया ड्वार्फ, एक ही बात है। और इसके बाद यहाँ पर एक और अनुबियस नाना है, ये पत्थर पे बंधे हुए है, बहुत इंटरेस्टिंग प्लांट है, बने रहे हैं। इसके बारे में एक और वीडियो आएगा, उस पर मैं सब कुछ डिटेल्स मैं उस पर दे दूँगा, ये प्लांट कैसे उगते हैं, कैसे इसे देखभाल करते हैं, केयर कैसे करते हैं, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, तो चैनल पे बने रहे। तो इसके बाद यहाँ पर एक बड़े प्लांट है, इस प्लांट ये भी एक तरह का अनुबियस है, इसे कहते हैं अनुबियस मिनिमा। वो अनुबियस नाना जो वर्सन है यहाँ पर, ये छोटे ही रहते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन इस तरफ जो अनुबियस मिनिमा है ये बहुत बड़ा होता है, और इससे पत्ते भी देख सकते हो, इसके पत्ते भी बहुत बड़ा होता है। उसके बाद इस तरफ जो नीचे एक और प्लांट देख सकते हो, ये भी अनुबियस है, मुझे अनुबियस कुछ ज़्यादा ही पसंद है, इसलिए इतने सारे अनुबियस देख सकते हो। ये भी अनुबियस नाना ही है। इसके बाद इस तरफ जो एक फ्लोटिंग प्लांट है, इसके नीचे ये जो आप इतने सुंदर ये जो एक बूसी प्लांट देख सकते हो, बूसी ग्रोथ हुआ है बहुत, इस प्लांट का नाम है कबुम्बा, ये भी बहुत पॉपुलर प्लांट है, देख सकते हो आप लोग। और इसके बाद ऊपर जो ये फ्लोटिंग प्लांट देख सकते हो छोटे छोटे, ये रहे, देखिए मछली कैसे हाथ के पास आ रहा है, बहुत फ्रेंडली है, हैंड टेम्प्ट फिश है ना। तो सीधे बात पे आते हैं, ये जो प्लांट देख सकते हैं आप लोग, इसे कहते हैं डकवीड, ये एक फ्लोटिंग प्लांट है। डकवीड के भी बहुत सारे वेराइटी है, उसमें एक वेराइटी है। तो इसके बाद यहाँ पर एक और फ्लोटिंग प्लांट है जो देख सकते हो, ये लंबे से एक फ्लोटिंग प्लांट है, इस फ्लोटिंग प्लांट का नाम है हॉर्नवर्ट्स, इसे हॉर्नवर्ट्स कहते हैं। हमारे यहाँ पर लोकल फिश पॉन्ड व लोकल रिवर पे बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे, और ये डकवीड भी बहुत सारे मिलते हैं, ये सब लोकल प्लांट है। इस तरफ में जो ये और एक प्लांट देख सकते हो, ये दूसरी टब है, इस प्लांट का नाम है अमेजॉन सूट, ये भी बहुत बहुत पॉपुलर प्लांट है, इसका नाम है अमेजॉन सूट, जैसा कि नाम में ही है अमेजॉन सूट, ये अमेजॉन पे ही रहता है, माने पाए जाते हैं अमेजॉन पे, अमेजॉन रिवर के आसपास व अमेजॉन रिवर पे। तो इसके बाद एक और अनुबियस, मैंने बताया था ना आपको मुझे अनुबियस को ज़्यादा ही पसंद है, इस अनुबियस का एक ख़ास बात है, देख सकते हो एक फूल उगा है इसमें, हाँ, ये पानी के अंदर भी फ्लावरिंग करते हैं, इसलिए अनुबियस इतना स्पेशल है। ये जो फ्लावर देख सकते हो, इसमें बीज आएगा, उस बीज से फिर से प्लांट उगता है, तो बात की बात है। तो इस तरफ जो प्लांट है देख सकते हो, ये जो यहाँ पर इसके पास ही देखे हैं आप अभी अमेजॉन सूट का ही एक ड्वार्फ वर्सन है, ये भी अमेजॉन सूट ही है बट एक ड्वार्फ वर्सन, अमेजॉन सूट ड्वार्फ, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता नॉर्मल अमेजॉन सूट की तरह। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इससे पहले भी बताया था इस टब में हॉर्नवर्ट्स इसे कहते हैं, इसमें भी है, ये हॉर्नवर्ट्स बहुत अच्छा काम करता है गप्पी ब्रीडिंग के समय,
गप्पी के बच्चे को छुपने के लिए उस बहुत काम का है। तो आज के लिए इतना ही। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस चैनल पे बने रहे, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगता है इस पर। तो ठीक है, बाय बाय गाइस।